बाद आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मरतबा फिर चले राकेश अपने ओर की अगली बॉल लेकर, इस बार नूर मोहम्मद ने अपना नूर बिखेरा, चार रन विकेटों पर पानी फेर दिया, सीधा मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए। बल्ले से बैक टू बैक उदयपुर गोदारन के अकाउंट में आया। राउंड विकेट अंपायर भागीरथ था, लॉर्ड को क्रॉस करने के बाद एक बार फिर नूर मोहम्मद को खराब बॉल, सही नसीहत और बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। एक और दन दन आती हुई बाउंड्री, धमाकेदार बाउंड्री, टाइगर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके। राउंड तो विकेट दूसरे ओवर के अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद मुकेश ले, नूर मोहम्मद ने एक बार फिर 30 गज के दायरे से के ऊपर से बॉल को उड़ा दिया, एक बाउंस के बाद बॉल फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए बना लिए गए 42 रन जीत के लिए बनाने 21 रन। एक बार फिर चले अंपायर को क्रॉस करने के बाद इनसाइड आउट, जितनी प्रशंसा की था उतने का मैग्निफिसेंट। भाई एकर बंद करके नहीं भाई, दोबारा चला के देख ले यार, चार रनों के लिए नूर, एकर बंद करके दूसरा चला के देख भाई, बैट्समैन दिखा को भाई एकर बंद कर, जानते हैं कि ज्यादा समय बचा नहीं। थैंक यू रमन लवप्रीत भाई, थैंक यू सो मच। करेंगे अंग्रेज सिंह चले तीसरे ओवर की पहली बॉल लेकर, ओवर द विकेट ही कहा जाएगा लेफ्टी के लिए, तो उड़ा दिया आप साइड में बॉल जा रहा है पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के, चार रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 39। उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए अपना एक पैर सेमीफाइनल में इस समय रख दिया उदयपुर गोदारन ने, दूसरा पैर शायद इस बॉल पर रख देंगे अपने ओवर की अगली बॉल। फुल टॉस पर लेकर के उड़ा मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑन साइड में, माफ कीजिएगा, छह रनों के लिए एक और लंबा सिक्सर नूर मोहम्मद के बल्ले से आया। इसी के साथ उदयपुर मोहम्मद सामना कर रहे हैं जीत के लिए 84 रन बनाने उदयपुर गोदारन को विश्व विजेता बनने के लिए। बड़ी संख्या में दर्शक इस समय भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम पर बड़े मुकाबलों का लुप्त उठा रहा है। वेद मंडा एक बार तो फिर अंपायर को क्रॉस करने के बाद नूर मोहम्मद ने इस बार निकाल दिया 30 गज के दायरे के ऊपर से फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए पहली बाउंड्री उदयपुर गोदारन के अकाउंट में नूर मोहम्मद के बल्ले, और सेलिब्रिटियों का आना लगातार जारी है। इस समय जयपुर से श्रीमान सतपाल जी सियाग यहां पर फाइनल मुकाबला देखने के लिए पहुंचे हैं। श्रीमान सतपाल जी सियाग का भी दिल की गहराइयों से भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम दनियासर पर स्वागत है, अभिनंदन है। वेद मंडा पहले ओवर की अगली बॉल लेकर के नूर मोहम्मद के लिए एक बार फिर तैयार, फील्डिंग में अमूलचूल परिवर्तन किए गए नूर मोहम्मद के लिए। वेद मंडा ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर भागीरथ तालौर के दाईं ओर से पहले ओवर की अगली बॉल, और इस बार नूर मोहम्मद ने फिर से फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर से मैक्सिमम सिक्सर, थर्ड मैन के ऊपर छह रन भाई, सिक्सर इस समय नूर मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ। पूरा जाटान के कप्तान ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर उदयपुर गोदारन का एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर। नरेंद्र के हाथ में बॉलिंग की जिम्मेदारी, डेंजर में नूर मोहम्मद रहे क्रिकेट की दुनिया से, अब 2 महीने में इनकी वापसी हुई है, 5 साल बाद क्रिकेट की दुनिया में उसी लय में नजर आए हैं नूर मोहम्मद। सामना करेंगे नरेंद्रा की दूसरे ओवर की पहली बॉल का, नरेंद्र ने दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद नूर मोहम्मद के लिए ऑफसाइड में उसको खूबसूरती के साथ कट कर दिया, एक बाउंस के बाद बॉल पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, अंकित सेन को छकाती हुई चार रनों के लिए। खिलाड़ियों के बीच में देखी जा रही है नरेंद्र दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर नूर मोहम्मद के लिए, और इस बार संपर्क बहुत ही बढ़िया, डीप में प्रोटेक्शन, लेकिन केवल दर्शक बन करके रह गए सीमा रेखा के बाहर। चंद्रबान हमारे आयोजनकर्ता ने बॉल को शायद कैच किया, रन भाई। नरेंद्र चले दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर नूर मोहम्मद के लिए, इस बार नूर मोहम्मद ने घुमाने की कोशिश की, खेत मक्खी उड़ रही है उनकी, उनका थोड़ा ध्यान रखें इधर है लेग साइड में बिल्कुल, और इस बार नूर मोहम्मद ने इनसाइड आउट बेहतरीन प्रहार किया, एक बाउंस के बाद बॉल सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। एक और पहले बल्लेबाजी करते हुए नरेंद्रा एक मरतबा फिर दूसरे ओवर की अगली बॉल लेकर के अंपायर को क्रॉस करने के बाद नूर मोहम्मद ने इस बार सीधे बल्ले से बॉल को उड़ा दिया, टाइमिंग और कनेक्शन दोनों लाजवाब, साइड स्क्रीन के ऊपर से बॉल दूर काला सागर बांध में झील में जाकर के गिरा, 6 रनों के लिए। बॉल सागर में गिर गया है तो गोताखोर की व्यवस्था करनी पड़ सकती है, और बहरहाल हमारे बॉलिंग